मंडी में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की टीम द्वारा शहर में मौजूद सब्जी व खाद्य सामग्री की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सब्जी की दरों का मिलान किया गया और जांच की गई कि कहीं सब्जी विक्रेता उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों से ज्यादा रेट तो नहीं वसूल रहे हैं। साथ ही विभाग की ओर से दुकानदारों व सब्जी विक्रेताओं को दुकान पर रेट लिस्ट लगाने की हिदायत दी गई। इस अवसर पर निरीक्षक सुनीता राणा ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए विभाग पूरी तरह से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए विभाग दिन रात काम कर रहा है। मैं इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई मंडी सुनीता राणा, मेरे साथ इंस्पेक्टर सदर परसराम जी हैं। हमने आज सब्जी वालों के तथा महाजन बाजार में सारे थोक विक्रेताओं के निरीक्षण किए हैं। इनसे अनुरोध किया है कि जो हमारे निर्धारित लाभांश है उससे ज़्यादा ना लिया जाए, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो और कोई शिकायतें ना आए। इन लोगों की बार बार शिकायतें हमें ये आ रही हैं कि जो है ज़्यादा चार्जिंग, ओवर चार्जिंग इनसे की जा रही है, परंतु इसके लिए हमने होलसेल सब्जी विक्रेताओं से भी रेट्स लेके उसी तरह से कंपेयर करके आगे जो है ये इन लोगों के द्वारा प्रदर्शित करवाई है, उसी मूल्य पर जो सब्जियों का वितरण किया जा रहा है। पर चार्जिंग अभी तक हमारे पास पाई नहीं गई। अगर यदि कोई ऐसा मामला आता है तो उसके विरुद्ध जो है केस दर्ज किया जाए, नियम अनुसार जो है कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर निरीक्षक परशुराम ने बताया कि लॉकडाउन व कर्फ्यू के चलते कुछ शरारती तत्वों द्वारा स्टॉक की कमी होने की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्टॉक की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को धैर्य से काम करना चाहिए। उन्होंने लोगों से जरूरत के मुताबिक ही सामान खरीदने की अपील भी की। एक जी इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कुछ लोगों में ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि सब्जियों के स्टॉक्स कम है या राशन की उपलब्धता नहीं है, तो उनको मैं ये सुनिश्चित कराना चाहूंगा कि हमारे पास सब्जियां काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और डेली बेसिस पे आ रही है। जैसा कि आप सब्जी मंडी में देख ही सकते हैं, काफ़ी मात्रा में सब्जियां उपलब्ध है। अगर किसी भी प्रकार की शिकायत सब्जी से रिलेटेड, किराना आटा चावल से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो विभाग को संपर्क कर सकते हैं।